ड्रिंक्स माय डियर स्टूडेंट्स, ना तो इसको कुछ फॉर्मूला दोस्तों, इसको ये बिल्कुल याद करिए, है ना। इंपॉर्टेंट है क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल कितने तरह के होते हैं, और आयत दो आयत का घना होता है, इसका मतलब भी समझिए, है ना। ओके दोस्तों, ये देखिए आयत का फॉर्मूला है रेक्टेंगल का, और ये घनाव का फॉर्मूला है, इसको बिल्कुल याद करिए, ठीक है। घनाव का है पूरा फॉर्मूला, दो वर्ग बराबर होता है घन, यानी कि इतना बराबर, मतलब दो चार बराबर। ओके दोस्तों, ओके। तो यहाँ दोस्तों वर्ग का फॉर्मूला है स्क्वायर का, फिर देखिए घन का फॉर्मूला भी है, इसको भी याद करिए, है ना। और वर्ग का भी, घन भी है, डायगोनल स्क्वायर, है ना। आयतन का फॉर्मूला है घन घन का, वृत्त का फॉर्मूला है अर्धवृत्त का, है ना। अर्धवृत्त का फॉर्मूला देखिए दोस्तों, है ना। सेम सर्कल का फॉर्मूला है, इसको याद करिए। आर का रेडियस बोलते हैं दोस्तों, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, बेलन का फॉर्मूला देखिए, है ना, गोला का है, सिलेंडर, स्फीयर, है ना, इसमें देखिए फॉर्मूला दोस्तों, ये आपके अर्धगोला का फॉर्मूला है, शंकु का फॉर्मूला है, है ना, टी एस ए आर एस ए सी एस ए त्रिभुजा का फॉर्मूला है। दोस्तों इस फॉर्मूला को जरूर शेयर कर दें, ये काम आएगा, फिर आपको मिलते हैं।